हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं डिस्कवर डॉली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो आज मैं निकल रही हूँ दर्शन के लिए। वॉच माय फुल ब्लॉग, जो भी मैं दर्शन करूँगी इसका मैं फुल ब्लॉग बना के डाल दूंगी। तो अगर आपको घर बैठे दर्शन करने और आपको वहाँ की सारी चीज़ों की नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा ब्लॉग पूरा देखें। थैंक यू, बाय बाय। राम की पूजा हो गई है, भगवान का आशीर्वाद लेके बस अब मैं निकल रही हूँ घर से। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो आज से हमारी दर्शन यात्रा स्टार्ट। हर हर महादेव, पैकिंग हो गई है, मैं निकल रही हूँ। हर हर महादेव। तो अब मैं निकल रही हूँ मेट्रो के लिए। ऑटो पकड़ लिया है मैंने, ठंड बहुत हो रही है। हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, जा रहे हैं हम अपनी मेट्रो पकड़ने। चलो, बहुत भीड़ है भैया, संडे को भी इतनी भीड़ होगी। अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी गाड़ी है, नहीं यहाँ से हमारी फ्लाइट है, गाड़ी नहीं है यहाँ से। हाँ, हम पहुँच गए हैं अब रेलवे स्टेशन पे और अब हम जा रहे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ये देख लो, मेरी मम्मी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। हम अपने टोपे खरीद रहे हैं यहाँ पे और सोचो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कितनी गर्मी है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ क्या सड़ जाओगे टोपे पहन के। तो फिर आते समय ले लो, आते समय क्यों बेकार में बोझा उठा रहे हो। मम्मी ने चिल्ला के बात करके दिमाग सारा खराब कर दिया। कितने तेज चिल्लाते हो मम्मी, मम्मी ने बात बोल रही। अरे आ जाओ हम लोग साथ। ये देखो मेरी मम्मी कितने शिद्दत के साथ लगी है बातें करने में। दो माताएं मिलके इतनी बातें कर रही हैं। चलो अब हमारी ट्रेन आ गई है। ट्राईपोर्ट में नहीं लगा रखा हमने फोन, ट्राईपोर्ट हाथ में पकड़ रखा और फोन दूसरे हाथ में। अब हमारी ट्रेन आ गई है और अब हम बैठ गए हैं। अब हम शायद कल रात तक उतरेंगे, फिर आगे के दर्शन स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम एक रात का सफ़र कट गया है। अब दिन है, ट्रेन 5 घंटा लेट है और मम्मी लोग आए फोन पीला इनका। हेलो, हम पहुंच गए हैं भोपाल और अब यहाँ से मौसम हो गया ठीक। अब यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बट हम दोनों तो दिल्ली से आए हैं तो इसलिए मोटे कपड़े पहन रखे हैं। देखो आ रहे हैं।
थी, रात को 1 बजे हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं। हमें उतरना 8 बजे था लेकिन हम उतरे हैं 1 बजे क्योंकि 5 घंटे गाड़ी लेट थी, बहुत थक गए हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन, नासिक रोड रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ यहाँ बाहर उतर के आपको ऑटो ऑटो मिल जाएंगे इजीली आपको जाना है तो, बट अभी तो मैं फिलहाल वेट कर रही हूँ। यहाँ पे ऑटो टैक्सी सब कुछ अवेलेबल है। रात को 1 बजे नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हम अनजाने शहर में, अनजाने शहर में ये तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी फिलहाल में हम जा रहे हैं अपने, मतलब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे, वहीं रुकेंगे हम। कहीं और जा रही है? नहीं मतलब मम्मी के साथ ही जा रही हूँ मैं और मम्मी, क्योंकि हमें जाना था सीधा दर्शन के लिए, लेकिन अब हम दर्शन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसलिए अभी बजे है रात के 1। तो अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर, वहीं रुकेंगे, कल सुबह फ्रेश होके फिर हम जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। अब ठीक है माता श्री? हाँ, और यहाँ का मौसम बहुत ठीक है, हालांकि हम तो वहाँ से दिल्ली से गर्मी के कपड़े पहन कर आए सर्दी के, बट यहाँ मौसम ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग, अब हम सोकर उठे हैं, अब हम जा रहे हैं नहाने और फिर इसके बाद हम निकलेंगे दर्शन के लिए, बहुत तेज नींद आई हुई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, और अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए, तो अब हम जाके देखते हैं यहाँ से कैसे जाना है मंदिर तक। ओके बाय। तो अब हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर नाथ के स्टैंड पे, जहाँ से हम पकड़ेंगे बस। हमने लिए 2 जनों की टिकट और पर पर्सन 20 रुपीज़ है, तो अभी यहाँ से है अराउंड 24 किलोमीटर, तो हमें आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने में, और ये स्टैंड है, और अब हम यहाँ से टिकट लेके अब हम जा रहे हैं आगे के लिए। ठीक है, जय बोले जय बोले। बस आ गई है हमारी, अब हम बैठ गए बस। अब हम उतर गए हैं त्र्यंबक बस स्टैंड पे, और अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए दर्शन के लिए। ये पीछे बस स्टैंड है, यहीं पे बस खाली होती है, और फिर यहाँ से दूसरी जगह के लिए बन के चलते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, आई थिंक इधर से जाएंगे। अरे देखिए पीछे के पहाड़ों के नज़ारे, ये दिखा दे से मंदिर के लिए, ये है रास्ता। बढ़िया रहा है, चालू कर दिया है, चालू कर दिया। अरे यार चल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और छोटू हेलो बोल। हेलो ए, मेरी मम्मी तो है। अब हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पास, और ये है मार्केट, आप यहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। अब ये पूरा रास्ता अब हमें लेके जाएगा मंदिर की ओर, यहाँ ऐसे मार्केट है, यहाँ आप मतलब जो भी जरूरत का सामान है खरीद सकते हैं। Thank you.
एग्जिट हुई है और ये अभी पूरा सराउंडिंग है। यहाँ से हम दर्शन करके बाहर आए हैं, तो अब हो गए हैं हमारे मंदिर के दर्शन। यहाँ से हम आए थे लाइन में दर्शन करते हुए। तो ये गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग स्थापित है, और पहले यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ये पूरे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग लगा रखे थे और इनके सबके नाम भी लिखे हुए थे, बट अभी ये बंद कर दिया है यहाँ से, है ना। तो इसलिए हम ये है त्र्यंबकेश्वर नाथ मंदिर। हमारे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने कर लिए हैं और ये पूरा ऐसे ही है सराउंडिंग में। इसके आप देख सकते हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे ये जो मंदिर के गुम वो बना रखे हैं और फिर सारा मिला के बना। अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो आप इस गेट से जा सकते हो, 200 रुपीज़ की टिकट लगती है और यहाँ से आपको VIP दर्शन हो जाएंगे। बट हमने VIP दर्शन नहीं करे, हमने नॉर्मल दर्शन करे। हमने लिया है एक मिसल पाव जो कि 60 रुपीज़ का आया है, हम इसको खा कर टेस्ट देखते हैं। लिया है एक थाली जो कि है 90 रुपीज़ की और यहाँ खान ये मिसल पाव बहुत ही टेस्टी है और अभी हम ये खाएँगे। हम खाना खा चुके हैं, खाना बहुत ही टेस्टी था। 160 रुपये में हम दोनों ने पेट भर के खाना खा लिया, बहुत ही टेस्टी खाना था और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और अब हम जा रहे हैं त्रिकुटा कुंड, फिर अब वहाँ से वहाँ के दर्शन करने का फिर एक और जगह जाएंगे। तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं एक रुद्राष्ट जो कि इसमें से निकलेगा तो पता चलेगा कि हमारी किस्मत में क्या है। ये लो अभी जो अभी देखो ये इसको ऐसा छील रहे हैं।